हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा एंड वेलकम टू निशास पैशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं नंदी हिल्स। जो एक्चुअली बैंगलोर में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि नंदी हिल्स कितनी खूबसूरत जगह है। नंदी हिल्स से सनराइज या फिर सनसेट देखने का मजा ही कुछ और है। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे बहुत दिनों से कि नंदी हिल्स जाए, बट हो नहीं पा रहा था, तो आज हम लोग जाएंगे नंदी हिल्स एंड आज मैं आप लोगों को भी साथ लेके जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। तो अभी हम लोग रेडी होकर निकल रहे हैं नंदी हिल्स के लिए। यहाँ से नंदी हिल ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर से। एक्चुअली हमें निकलना था सुबह के 5 बजे, बट जब नींद खुली तो पता चला कि ऑलरेडी 5:30 हो चुका है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जाऊँ या ना जाऊँ। फिर उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, जाके देखते हैं क्या होता है। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और हम लोग बहुत लेट निकल रहे हैं नंदी हिल्स के लिए। एक्चुअली कार से या फिर बाइक पार्किंग के लिए वहाँ पे कुछ लिमिटेड जगह है, इसलिए हमें जल्दी निकलना था ताकि हमें वहाँ पे जगह मिले कार पार्किंग के लिए। एंड हमें ना सुबह की सनराइज भी देखना था, बट आज तो पॉसिबल नहीं है। तो आज हम लोग यूं ही जा रहे हैं। अगर हम नंदी हिल्स जाके पहुँच पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर हमें एंट्री नहीं भी मिलती है तो हम लोग सुबह की एक राइड लेके वापस आ जाएंगे। अभी हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। सुबह सुबह इतना अच्छा व्यू अगर देखने को मिले तो मन तो बिल्कुल खुश हो जाता है। तो अभी हम लोग नंदी हिल्स के रोड पे आ चुके हैं। ये रोड तो बहुत ही बढ़िया है। सुबह सुबह इतनी अच्छी रोड पे राइड लेने का मज़ा ही कुछ और है। और हम लोग अभी धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो आप लोग ही बने रहिए, देखते रहिए। तो अभी आप देख सकते हैं वेदर धीरे धीरे चेंज हो के फॉगी हो रहा है। पहाड़ पे ना अब कभी वेदर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी सानी था तो अभी फॉगी हो गया। और अभी हम आ गए हैं नंदी हिल्स के टॉप पे, जहाँ पे हम कार को पार्क करेंगे। तो चलिए कार को पार्क करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो ये है एंट्री गेट जिसके ऊपर कुछ लिखा है, बट मैं पढ़ नहीं पाई। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वर्क करके। और आज ना समायरा की मूड उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको ना हम जबरदस्ती उठा के लाए हैं, बट वो रो नहीं रही थी, बट वो थोड़ी सी चुपचाप है। और यहाँ पे बस सर्विस भी मिलता है, अगर आप लोग चाहें तो बस सर्विस लेके ऊपर जा सकते हैं। तो अभी हम लोग बस पे चढ़ गए हैं और अभी हम लोग जाएंगे नंदी हिल्स के टॉप पे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं नंदी हिल्स आ गई हूँ। जो व्यू हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। जनरली फ्लाइट से ऐसा व्यू देखने को मिलता है। बाहर का वेदर फॉगी है, आप देख सकते हैं। अगर सनी होता तो और भी अच्छा होता, बट जो भी है वो बहुत खूबसूरत है।
हम लोग सोच रहे थे कि लेट हो गया जाके हम लोग सनराइज नहीं देख पाएंगे, बट यहाँ पे आके पता चला कि हम लोग राइट टाइम पे आए हैं, क्योंकि अभी बाहर का जो व्यू है हमें क्लियरली दिखने को मिल रहा है, ऑल दो फॉगी वेदर है। नंदी हिल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप इजिली शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इजिली 2-3 घंटे बिता सकते हैं। नंदी हिल्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपका पूरा दिन नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग नीचे आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कार एंड बाइक पार्किंग। यहाँ पे ज़्यादा क्राउड आज नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और हमें जल्दी जल्दी नीचे आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो समायरा बहुत ही छोटी है उसको ठंड लग सकती है, इसलिए हम लोग आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो चलिए चलते हैं। नंदी हिल से वापस आने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हालांकि नंदी हिल्स में हम लोग थोड़े बहुत खाए थे, एंड अभी समायरा इडली खा रही है अपने पापा के साथ और अभी मैं यहाँ पे खा रही हूँ डोसा। तो ब्रेकफास्ट के बाद ही हम लोग घर जाएंगे। तो अभी हम लोग वापस आ गए और समायरा बहुत खुश है क्योंकि समायरा को घूमना बहुत पसंद है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आई होप आज की जो वीडियो है वो आप सबको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं सो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।